नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। सागर जिले के गढ़ा कोटा पुलिस ने विगत दिनों मोबाइल चोरी का खुलासा करते हुए आरोपी चोर के साथ मोबाइल दुकान से चोरी हुए 16 टच मोबाइल, दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर, बिल बुक जब्त कर खुलासा करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें रहली एसडीओपी अनुराग पांडे, थाना प्रभारी प्रशिक्षु डीएसपी सुश्री भावना दांगी के साथ अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे। रैली एसडीओपी अनुराग पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 8 अगस्त 2020 को आशीष उर्फ अस्सु पिता मुरलीधर चौरसिया निवासी किला वार्ड ने थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नगर परिषद बस स्टैंड स्थित दुकान नंबर 25 न्यू चौरसिया मोबाइल की दुकान में दिनांक 7 अगस्त की दरमियानी रात को किसी अज्ञात चोर द्वारा दुकान के शटर का ताला तोड़कर दुकान में रखे 16 मोबाइल टच फोन चोरी किए गए थे, जिसकी कुल कीमत 2,46,500 रुपये के लगभग है। अज्ञात चोरों ने चोरी किया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की, साथ ही अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर दिया गया था। प्रकरण में अज्ञात चोर के द्वारा चोरी करने के फुटेज नगर परिषद भवन में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई थी, जिसके आधार पर चोरों की तलाश की जा रही थी। पुलिस को मुखबिर ने सूचना दी कि ग्राम चौराई निवासी संदेही बल्लू उर्फ बलवंत पिता इंदुर सिंह लोधी उम्र 23 साल गांव के लोगों को नए नए मोबाइल बेचने हेतु दिखा रहा है। इस सूचना के आधार पर संदेही से पूछताछ की गई, जिस पर उसने चोरी की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया और उसके घर की तलाशी करने में पुलिस को 16 टच मोबाइल एवं घटना में पहने हुए कपड़े, चोरी में इस्तेमाल किया गया बैग, दुकान में ताले तोड़ने में उपयोग किए हुए औजार को जब्त किया। साथ ही दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरा के डीवीआर, जो कि वह चोरी की घटना में अपने साथ ले गया था, जिसे उसने सुनार नदी में छोटे पुल के पास फेंकना बताया। आरोपी बल्लू उर्फ बलवंत को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इससे ज्यादा जानकारी के लिए ये देखते हैं सागर के गढ़ा कोटा से अनिल वर्मा के साथ सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। नमस्कार। विगत दिनों एक चोरी हुई थी, उसका आज खुलासा हो रहा है। थाना गढ़ा कोटा में विगत दिवस एक मोबाइल शॉप चौरसिया की थी, बस स्टैंड पर चोरी हुई थी रात्रि दरमियान। थाना प्रभारी गढ़ा कोटा द्वारा एक टीम बना के उसमें पतरसी की गई। तो चौरसिया की मोबाइल दुकान से चोरी गए 15-16 मोबाइल जब्त हो गए हैं और उससे पूछताछ की जा रही है अन्य चोरियों के बारे में। शीघ्र जो है मोबाइल के INEI नंबर मिलान करके कोर्ट में प्रस्तुत किए जाएंगे। सर, ये खुलासा में अहम कड़ी क्या रही, कैसे पता चला कि इसमें आरोपी बल्लूर बलवंत मोदी है, जो ग्राम चौराई का रहने वाला है, उसके ऊपर कर्जा होने के कारण पैसों की आवश्यकता होने के कारण उसने चोरी करना बताया है। कर्जे की रकम अदा नहीं हो पाने के कारण उसने चोरी की, और ऐसी परिस्थितियाँ थी कि जब उसने मोबाइल गांव के अन्य लोगों को बेचे तो थाना प्रभारी गढ़ा कोटा को मुखबिरी मिली, जिसके फलस्वरूप ये मोबाइल जब्त किए गए।